नमस्कार दोस्तों, थोली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कल के लिए यानी कल है महाशिवरात्रि का एक महा उपाय बताऊंगी और साथ में जीवन में हर कोई मित्र ढूंढता है तो वो मित्र कहाँ ढूंढे, इसके लिए आज का वीडियो है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और इस उपाय को जरूर अपनाइएगा, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हमारे जीवन में प्यार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड समस्या ही ज्यादा हमें परेशान करती है। लेकिन कल का जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ये बहुत खास है और इसे कल करने के लिए एकदम सुबह सुबह उठ जाइएगा, नहा लीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, 11 बेलपत्र लीजिएगा। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से साफ पानी से धोइएगा, गंगा जल से धोइएगा। चंदन और केसर को पीस लीजिएगा, ठीक है, और उससे आपको बेलपत्र में ओम लिखना है, ठीक है। 11 पत्तों में आपको 11 बार ओम लिखना है, मतलब एक एक पत्ते में आपको एक बार ओम लिखना है और वो भी चंदन और केसर से, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी एक माला बनानी है। माला बनाने के लिए आप कोई भी कलावा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे आपको अर्पण करना है शिवलिंग पर। कल जब आप इसे अर्पण करेंगे तो आपको आपकी मन की इच्छा भी बोलनी है। साथ में एक छोटा सा प्रयोग मैं बता रही हूँ, आपकी मुट्ठी भर जितना चावल उठ जाए उतना चावल लेंगे। लेने के बाद जो 11 बेल पत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, साथ ही आपको मुट्ठी भर चावल, आपकी मुट्ठी पर जितना आ जाए उस मुट्ठी भर चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, जल अर्पण करना है, बस इतना करना है और आपकी मन की इच्छा बतानी है। आप देखेंगे कि आपके हर कार्य बनने लगेंगे, आपका प्यार के रिश्ते में जो दरार आ रही थी वो सुधरने लगेगा, पैसे से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सॉल्व होती हुई चले जाएंगे क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और भगवान शिव किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, लेकिन उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 11 बेलपत्र, उसमें केसर और चंदन से ओम लिखिए और उसकी एक माला बनाइए और इसे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। एक मुट्ठी भर चावल, आपकी मुट्ठी में जितना चावल आता है उतना भर चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और जल अर्पित करना है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा सरल प्रयोग है लेकिन इसके रिजल्ट जो होते हैं ये बहुत ही अचंभित करने वाले रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रयोग को कल जरूर कीजिएगा। ये था महा उपाय। अब मैं दूसरा उपाय बताती हूँ जो कि हमारे जीवन से रिलेट करता है। हम सभी को एक अच्छे दोस्त की तलाश रहती है, लेकिन वो दोस्त ऐसा भी होना चाहिए जो आपके दिल की बात को समझे, आपको समझे। लेकिन ऐसा दोस्त मिलेगा कहाँ? अक्सर बहुत कम लोग होते हैं भाग्यशाली जिनको एक अच्छे दोस्त नसीब होते हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत भाग्य से किसी इंसान को मिलता है और वो अच्छा दोस्त आपके जीवन में जीवन भर रहे तो ये इससे बड़ी बात कुछ होती नहीं है। लेकिन इस मामले में बहुत लोग भाग्यशाली होते हैं तो किसी का भाग्य ही साथ नहीं देता है दोस्ती के मामले में। आज एक छोटी सी चीज सिखा रही हूँ आप लोगों को। हम अपने जीवन में ना दोस्त ढूंढने में समय लगा देते हैं लेकिन अपने अंदर के दोस्त को जान ही नहीं पाते हैं। जिस दिन आप अपने अंदर से दोस्ती कर लेंगे, यानी आपकी अच्छाई या आपकी बुराई या आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, आपके अंदर कुछ बुरी चीजें भी हैं, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट जैसे करते हैं वैसे अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करके आप उनसे दोस्ती कीजिए, यानी आप अपनी अंतरात्मा से दोस्ती कीजिए। देखिए ये कहना आसान है कि अंतरात्मा से दोस्ती कीजिए, करेंगे कैसे? करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए एकांत चित्त होकर बैठने का, क्योंकि आप जितनी अच्छी जितनी कंस्ट्रक्टिव सोच आप एकांत में बना सकते हैं, अकेले रहकर कुछ समय खुद को देकर बना सकते हैं, शायद ही आप इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में उतना बना सकते हैं। क्योंकि जीवन में हैप्पी रहना, खुश रहना, ये अभी के समय में एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि शायद कुछ आदतें आपकी दूसरों को अच्छी नहीं लगती होगी, शायद दूसरों की कुछ आदतें आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि आप किसे किसे खुश करेंगे। लेकिन आप जब अपने अंदर से खुश रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे खुश होना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां पर एक्सपेक्टेशन आती है
वहीं पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अंतरात्मा से दोस्ती कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो आपके अंदर तक रहती है और आप उन्हीं से करते हैं जिनको आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को आप जवाब नहीं दे सकते हैं कि आप किस में खुश है, आप किस में नाखुश है। तो इसीलिए दोस्ती ही अगर करना है तो अपने अंदर से कीजिए, अपनी अंतरात्मा से कीजिए। उसके बाद देखिए दुनिया आपके पीछे यूं ही दौड़ पड़ेगी, क्योंकि आप खुश रहते हैं अपने में। इसीलिए लोग आपकी सीक्रेट को जानना चाहेंगे कि आखिर रहस्य क्या है कि आप अपने में इतने खुश रहते हो। तो ये छोटा सा टिप्स है आपके जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि सभी व्यस्त है, सभी भाग दौड़ भरी जिंदगी में है, कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता है, लेकिन आप अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए अपने अंदरूनी अंतरात्मा के साथ, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।